फ्रेंड्स कहते हैं कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना मात्र सोचने से जो है कोई भी हर आदमी सोच लेता है, होता कुछ नहीं। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साइगुरु में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हमारी बड़ी विचित्र सी चर्चा चल रही है, ऑलरेडी 3-4 वीडियोज आ चुके हैं जिसमें कि आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है, अलग अलग राशियों पर चल रही है। गुरु अस्त हुए हैं 7 मई 2024 को और ये सूर्य के कारण हुआ है। इसमें आज हमारी चर्चा कुंभ राशि एक्वेरियस है, ये चंद्र राशि पर आधारित है। सूर्य, सबसे पहले कि बता दें कि सूर्य का क्या रोल रहेगा, गुरु क्या रहेंगे, गुरु और सबसे पहले अस्त होना क्या होता है, क्या सावधानियां हैं, क्या उपाय हैं और क्या लाभ हैं, ये सारी हम चर्चा विस्तृत करेंगे। सबसे पहले जो थंबनेल में बताया गया वो बिल्कुल करेक्ट है, सूर्य के हृदय में गुरु अस्त कुंभ राशि एक्वेरियस राशि, क्या सावधानी रखनी है 3 जून तक। ये सबसे पहले बता दूँ, 7 मई से लेकर 3 जून तक गुरु भगवान अस्त होंगे। सबसे पहले बता दें कि गुरु भगवान हमारे भाग्य सौभाग्य के कारण कारक है, ज्ञान के कारक है, मैरिज के कारक है, चिल्ड्रन के कारक है और ये हमारी जन्म पत्री का नियर अबाउट 60% हॉरोस्कोप को आप कह सकते हैं कि होल्ड करते हैं। साथ ही सूर्य भगवान आत्मा के, प्रतिष्ठा के, कैरियर के, सरकार के, अथॉरिटी के कारक हैं, तो दोनों का मिलन जो है ये बहुत ही विशिष्ट है। और दोनों, एक बात बता दें, दोनों ग्रह नैसर्गिक मित्र हैं, तो मित्र हमेशा मित्र का सेल्फ सपोर्ट करेगा। अब हम आते हैं ये अस्त होना। सबसे पहले वेदों के हिसाब से ये बताया गया है कि सूर्य के नज़दीक बहुत जब कोई भी ग्रह आ जाता है तो सूर्य की इतनी हीट होती है कि वो जो है उस पर्टिकुलर ग्रह को जो है वो निष्फल कर देता है। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूर्य जो गुरु भगवान जो है सूर्य, क्योंकि देखिए सूर्य के हैं आत्मा के, तो सूर्य हृदय, वो गुरु भगवान जो है सूर्य के हृदय में समा जाएंगे और सूर्य जो है गुरु का भी फल देंगे। वो कैसे, क्योंकि गुरु भगवान अभी कृतिका नक्षत्र में है और कृतिका नक्षत्र के स्वामी जो है वो है गुरु, वो कृतिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्य भगवान, तो इसलिए ये बहुत ही विशिष्ट समय है। अस्त होने का मतलब ऐसा है कि देखिए गुरु भगवान अभी 1 या 2 डिग्री में चल रहे हैं और सूर्य भगवान 23 डिग्रीज में चल रहे हैं, तो 23 डिग्रीज में दोनों के बीच में 9 से 11 डिग्री का फर्क होता है, क्योंकि 30 डिग्री का हमारा माना जाता है। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि गुरु भगवान जो है सूर्य के साथ मिलके सूर्य भगवान गुरु का भी फल देंगे। ये अस्त मतलब का ये होता है कि सूर्य जो है को के हृदय में वो समा गए हैं। बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा भी कह सकते हैं ना, सूर्य भगवान एक बहुत बड़ा, एक रूम में आप चले गए वहाँ एक बहुत बड़ी रोशनी है 200 वाट की, वो 200 वाट की रोशनी है और साथ में गुरु भगवान वहाँ 10 या 20 वाट के हैं, तो वो 10 या 20 वाट नजर नहीं आएगा आपको, सिर्फ जो है वो 200 वाट नजर आएगा और वो 20 वाट भी वो 200 वाट के थ्रू ही फल मिलेगा। ये ऐसा अस्त होना माना जाए। अस्त होना का मतलब ये गुरु भगवान कहीं नहीं जा रहे, वो सूर्य के अंदर ही हैं, वो उनके हृदय में हैं। ऐसे में आपके समय, इस समय क्या होता है, आपको अपने गोल्स पे, अपने प्रॉब्लम्स पर अधिक फोकस कॉन्सेंट्रेशन रखना है, आत्मंथन आत्मचिंतन, जिसको हम इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि आप अंतर ध्यान करेंगे, क्या आपकी जो समस्याएं हैं उसको कैसे और बेहतर ढंग से उसको ठीक किया जाए। चौथा भाव जो होता है वो आपके सुखों का होता है, गाड़ी का, माता का और आपके जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित होता है। तो ऐसे में, और साथ में देखिए गुरु गुरु की भगवान की 3 दृष्टि है, पंचम सप्तम नवम। पंचम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर जा रहा है, सप्तम दृष्टि जो है 10वें भाव पर जो कि कैरियर पे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नवम दृष्टि 12th हाउस पर। इस समय क्या होगा कि आपका सारा फोकस और अटेंशन आपके कैरियर में, आपकी नौकरी व्यापार में जो, और जो भी जो धंधा आप कर रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव ध्यान देंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, उसके लिए जो भी कदम उठाने हैं, ये एक्चुअल मतलब होता है गुरु अस्त होने का। क्योंकि सूर्य साथ है, सूर्य की में इतनी पावर है और देखिए 10th हाउस जो है 10वां भर व्यापार का है और उस पर जो है वो आपका जो है वो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल भी देखिए वो भी तीनों सूर्य के और गुरु के जो है मित्र हैं। तो ऐसे में आपको अधिक फोकस आपको अपने करियर पे और आपको अपने जो भी जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आप लगाएंगे पॉजिटिव तरीके से, ये हैं। और साथ ही देखिए जो आप पंचम दृष्टि है वो 8th हाउस पर है, 8th हाउस में जो है जो भी आपको जो हेल्थ की समस्या आ रही है उस पर आपको आप अधिक फोकस रखेंगे, आपके कैरियर आपको जो ऑकल्ट साइंसेस में जो आपको जो अधिक सीखना है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है उसमें भी आपको नई नई आप जो है ऊंचाइयाँ छूने के लिए आप नए नए टेक्निक्स को खोज करेंगे और उसको आप करेंगे। इसके बाद यह है 12th हाउस पर दृष्टि है, 12th हाउस देखिए खर्चों का होता है, बट खर्चे तभी आप करेंगे जो क्या इनकम होगी, तो इनकम तो बढ़ेंगे, बड़े इनकम के नए सोर्सेज भी बनेंगे और साथ में जो विदेशों से संबंधित जिनका काम है ट्रेडिंग का वो आप देखेंगे, इसमें नए नए आयाम जुड़ सकते हैं, जैसे इंटरनेट मार्केटिंग हो सकता है, आपको जो है जो आज की डेट में जो है यूट्यूब मार्केटिंग और इस किस्म के जो जीमेल मार्केटिंग, इस सब में आप जो है आप अधिक
इसमें सक्रिय रहेंगे, जो कि ये अच्छी बात है। अब हम सावधानियों पे आते हैं। देखिए, सावधानियों में ऐसा है कि एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इन दिनों में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि देखिए मांगलिक कार्य के लिए गुरु का और शुक्र का ये जो देखा जाता है, गुरु अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं। तो इस समय शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, नई लैंड रजिस्ट्री, नई गाड़ी, नई वाहन, इस समय जो है इसको पोस्टपोन करना चाहिए। कोई भी शुभ जो है तिथि यहाँ भी नहीं होती, पंचांग में आप देख सकते हैं। ऐसे में अब आपको क्या करना है कि 3 जून तक गुरु भगवान अस्त हैं और 7 जून तक जो है शुक्र भगवान अस्त हैं। तो आपने क्या करना है, मेनी आप सिर्फ जो है जो भी जो कार्य करें इसको 7 जून के बाद आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। उपायों पे आते हैं। देखिए, उपायों का मतलब ये होता है कि गुरु भगवान कहाँ गए, गुरु भगवान अस्त हुए हैं, तो इसका मतलब गुरु भगवान कहाँ हैं, गुरु भगवान मंदिरों में होते हैं, तो आप मंदिर जाएं, घर के आसपास मंदिर जाएं। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो कोई तीर्थ स्थान में जो है गुरु भगवान मिलेंगे वहाँ जाएं, वहाँ माथा टेकें। आप जो है तीर्थ स्थलों में जाएं, तीर्थ जो करें तो अच्छा रहेगा। आपके घर के अंदर मंदिर है उसमें उनके यहाँ वो करें, तो गुरुओं के मंत्रों का करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र करें और शनि के मंत्रों का जाप करें, वो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें तो शुभ रहेगा। ये आपको जो हमने आज बताया है कुंभ राशि का, ये जनरल रीडिंग है। तो स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आप हमारे से 8010001346 पर संपर्क करेंगे तो शुभ रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि गुरु भगवान और सूर्य भगवान हमारे एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को हार्दिक धन्यवाद और इनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।